वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक ऑन डिमांड लेक्चर है, जो एक स्टूडेंट ने हमें डिमांड किया था कि ग्राफ प्लॉटिंग के हवाले से हम उन्हें गाइड कर दें। ये बेसिकली टॉपिक है कैलकुलस वन का। इसके लिए हमें एक ज़रूरत होती है फंक्शन की जिसका ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर 3x^4 -2x³। हमें इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। कोई भी फंक्शन हो, आपकी जो टेक्निक होगी दैट विल रिमेन सेम। सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन आपको ज़ीरो वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप, वो पॉइंट्स फाइंड कर लें। आप ज़ीरो पुट करें, 3x^4 -2x³, ये हमें दे देगा 3x^4 -2x³ इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे हम क्यूब, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x - 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल्स टू 2/3। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे y ज़ीरो है और x भी ज़ीरो, यानी कि y ज़ीरो और यहाँ पे भी y ज़ीरो, यानी कि ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है। ये हमें आ गए। उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जस्ट टू चेक किस किस पॉइंट पे हमारी स्लोप ज़ीरो आती है, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का, 4 × 3 आपका 12 और पावर में से एक कम x³ एंड -6x². अब जब मैं इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा तो x में स्क्वायर कॉमन लूँगा, 6x² एंड यहाँ पे आ जाएगा x 2x -1 विच इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। अब जब हमें यहाँ से स्लोप्स पता चल गई, वो पॉइंट्स पता चल गए जहाँ पे आपका डेरिवेटिव यानी कि स्लोप 0 के बराबर है, स्लोप 0 के बराबर है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका मिनिमा एंड मैक्सिमा है। मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करने के लिए आप दोबारा से x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाए, जो कि आपको ये इन दोनों का, अगर मैं ये तो y डेरिवेटिव की वैल्यू थी, अगर x इक्वल टू 0 इस पूरे फंक्शन में पुट किया जाए तो आपके पास y 0 के बराबर आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक्सट्रीमा है। एंड y अगर 1/2 पुट किया जाए इस इक्वेशन में, लेट सपोज हम यहाँ पे y 1/2 पुट करते हैं, 3 1/2 की पावर 4 -2 1/2 की पावर 3, यहाँ आ जाएगा 4 3/16 -2/8 यहाँ 1/4। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 16 3 -4 जो आ जाएगा -1/16, यानी कि एक पॉइंट आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/16 जो आपका एक्सट्रीमा है। इसको हम रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम ये एक्सट्रीमा चेक करने के बाद हम साइन डायग्राम बनाएंगे। साइन डायग्राम में हम इस फंक्शन को देखेंगे। हम पहले सबसे पहले डेरिवेटिव की साइन डायग्राम बनाएंगे। हम देखेंगे इस पॉइंट को, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंडली मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो अगर मैं x 0 से लेफ्ट जाऊँ, यानी कि अगर x माइनस 1 होता है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, तो ये पूरा फैक्टर, क्योंकि माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इस रीजन में हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी डेरिवेटिव की। उसके बाद अगर ये रीजन देख लें आप 0 1/2, तो आपके पास यहाँ मैं वैल्यू ले सकता हूँ 1/4। अगर मैं यहाँ पे 1/4 पुट करूँ तो 1/4 यहाँ आंसर देगा 1/2 1/2 -1, यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं ले लेता हूँ आपकी वैल्यू 1,
वन यहाँ पे ली तो फिर आंसर आया आपके पास पॉजिटिव। तो ये आपकी साइन डायग्राम बन गई। तो बेसिकली ये डायग्राम ये शो कर रही है कि यहाँ पे इस जगह पे फंक्शन जो आपका है वो इंक्रीज कर रहा है, इस जगह पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस जगह पे आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे आप फंक्शन जो भी है दैट इज यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज करते करते यहाँ पे स्लोप 0 है और फिर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो दिस फंक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन हो सकता है इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेशन पॉइंट्स के बाद हमारा ये अंदाज़ा गलत साबित हो, लेकिन हम पहले सबसे पहले इन्फ्लेशन पॉइंट्स ढूंढेंगे एंड देन हम उस पर काम करेंगे। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद आ जाएगा 36x² - 12x। अब 36 इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x कॉमन, यहाँ आ जाएगा 3x - 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जो हमारे सेकेंड डेरिवेटिव के पॉइंट्स हैं। अगर हम इनकी साइन डायग्राम बनाएं तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1/3, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ -1 यहाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि कॉनकेव अप। और यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में कोई वैल्यू ले लेता हूँ 0 और 1/3 के दरमियान जो कि 1/4 हो सकती है, 1/4 लूँगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा। और उसके बाद मैं 1/3 से ऊपर 1 ले लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कॉनकेव अप हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, हम दो फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव को देख लेते हैं। हम फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव के साइन डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम साइन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे स्लोप 0 है एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे स्लोप 0 है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एक हम पॉइंट लेंगे 1/2 पे। हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम सेकेंड डेरिवेटिव की जब बात करेंगे तो यहाँ पे उसका एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 है एंड एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1/3 है जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे कहीं पे आता है, एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स -3। अब मैं अगर -1 पुट करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो आंसर माइनस आता है, 1/4 यानी इसके मिडल की कोई वैल्यू पुट करता हूँ तब भी आंसर माइनस आता है और यहाँ पे आंसर प्लस आता है। और इस केस में जब मैं माइनस पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर प्लस आता है, फिर माइनस आता है एंड फिर प्लस आता है, यानी कि कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन एंड कॉनकेव अप। ये हमारे पास आ गया और ये 1/3 जो है हमारे पास है इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी कॉनकेविटी चेंज हो रही हो, डाउन से अप हो रही हो या अप से डाउन हो रही हो। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है फॉर एग्जाम्पल 1/3, तो यहाँ पे आपकी कॉनकेविटी डाउन अप से डाउन से अप जा रही होगी, यानी कि ऐसे कि यहाँ पे डाउन थी और यहाँ पे अप हो गई, तो ये आपका पॉइंट है इन्फ्लेशन पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आके आपकी जो स्लोप है वो 0 हो गई इस जगह पे एंड यहाँ पे भी आपकी स्लोप 0 ही है। तो ये कुछ फंक्शन इस तरह का बनेगा। तो अगर आप मजीद इसको क्लियरली फाइंड आउट करना चाहेंगे फंक्शन किस तरह का है तो इसकी आप प्रॉपरली डायग्राम बना दें। थैंक्स फॉर यूजिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। किसी भी हवाले से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो, कुछ भी डिस्कशंस हो या कोई इम्प्रूवमेंट्स हो तो काइंडली कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।